अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11 मॉन्यूमेंटल हेरिटेज। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। नोवेयर एल्स डज वन सी सच वैरायटी ऑफ मॉन्यूमेंट्स। इतनी ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स की वैरायटी कहीं देखने को नहीं मिलती है। मॉन्यूमेंट्स बच्चों जो फेमस इमारतें हैं हमारे देश में, बेरिंग द ग्रेट वॉल ऑन द पिरामिड्स। अगर हम पिरामिड की ऊंची ऊंची दीवारों को छोड़ दें, इंडिया इज होम टू एवरी अदर टाइप ऑफ आर्किटेक्चर। इंडिया में हर दूसरे तरीके का आर्किटेक्चर का काम हुआ है। मतलब यहाँ इतनी तरह तरह की इमारतें, इतनी तरह तरह की आर्किटेक्चरल चीज़ें बनाई गई हैं कि ऐसी कहीं भी नहीं बनाई गई। रीड द डिस्क्रिप्शन एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो हमें ये डिस्क्रिप्शन पढ़ना है और इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं उनका आंसर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द मैसूर पैलेस ऑफ 1857 इज अ मार्वलस कलेक्शन ऑफ डोम्स, आर्क्स, टरेट्स, कार्विंग्स एंड शैंडलियर्स। तो जो मैसूर पैलेस था 1857 का, वो एक बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। वहाँ पर डोम्स हैं, आर्क्स हैं, टरेट्स हैं, कार्विंग्स हैं। कार्विंग्स मतलब दीवारों पे तरह तरह की मूर्तियों की प्रतिमाएं बनाई गई हैं, तरह तरह की आर्ट करी गई हैं। शैंडलियर्स हैं मतलब झाड़ फानूस जो कहते हैं। वहाँ पर बहुत अच्छा कलेक्शन है मैसूर पैलेस में। इट इज़ ऑफन इल्यूमिनेटेड एट नाइट। ये रात को प्राय चमकता है विथ थाउजेंड्स ऑफ टाइनी लाइट्स, हजारों छोटी छोटी लाइट्स के साथ। इट इज़ एट इट्स बेस्ट ड्यूरिंग द 10-day फेस्टिवल ऑफ दशहरा, जिसे हम कहते हैं दशहरा। ये अब बेस्ट दिखता है, सबसे अच्छा दिखता है 10 days फेस्टिवल्स के दौरान। प्रोसेशंस ऑफ रॉयल एलिफेंट मतलब शाही हाथियों की एक लाइन होती थी, एडॉर्न्ड इन गोल्ड कॉन्वे, गोल्ड कॉन्वे से सजी हुई। द स्प्लेंडर ऑफ द रॉयल ट्रेडिशन, एक रॉयल ट्रेडिशन को दर्शाने के लिए और उसी के साथ अपनी डाइटीज़ की ऑनर्ड मतलब अपनी आर्मी की, वहाँ पर जो रॉयल लोग थे उनके प्रति ये एक ऑनर था कि रॉयल एलिफेंट्स की लाइन लगी होती थी जब वो वहाँ से गुजरते थे। तो चलिए देखते हैं इसके साथ हमें क्या क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फ्रॉम विच डेमन्स नेम हु वॉज किल्ड बाय गॉडेस चामुंडी हैज़ मैसूर डिराइव्ड इट्स नेम। सो किस राक्षस के नाम से जो कि देवी चामुंडी के द्वारा मारा गया था, मैसूर ने अपने नाम को डिराइव किया है, मतलब वहाँ से ये नाम लिया गया है। तो कौन सा डेमन था वो? महिषासुरा। तो वो डेमन था महिषासुरा। विच फेस्टिवल ऑफ मैसूर अट्रैक्ट्स, कौन सा फेस्टिवल मैसूर का ऐसा है जो श्रद्धालुओं को और पर्यटकों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और दुनिया भर से पर्यटक वहाँ पर आते हैं? तो वो फेस्टिवल है दशहरा। उसे हम लिखेंगे मैसूरु दशहरा। तो आप मेरे साथ साथ लिख सकते हैं बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड हमें बताया गया है द मॉन्यूमेंट बिल्ट ऑफ वाइट मार्बल ब्रॉट फ्रॉम राजस्थान। राजस्थान से लाए हुए वाइट मार्बल से ये बना था ये मॉन्यूमेंट। रिफ्लेक्ट्स कॉलोनियल पावर इन कोलकाता, जो कोलकाता में कॉलोनियल पावर को दिखाता है। इट वॉज वंस द कैपिटल, ये कैपिटल थी एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल सेंटर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और भारत में जब ब्रिटिश रूल था तब
तब सबसे ज़्यादा फ़ायदा ब्रिटिश को यहीं से होता था, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट उन्हें यहीं से मिलता था। द मॉन्यूमेंट डेट्स बैक टू द अर्ली 20th सेंचुरी। जो ये मॉन्यूमेंट है ये शुरुआती 20th सेंचुरी से रिलेटेड है, वहाँ से ये संबंध रखता है। और आज की डेट में ये एक म्यूज़ियम है जहाँ पर पुराने टाइम के पुराने राज के अवशेष रखे गए हैं। ठीक है, म्यूज़ियम में पुरानी पुरानी चीज़ें ही होती है ना बच्चों, तो ये अब एक म्यूज़ियम बन चुका है। तो आगे चलते हैं। विच डोमिनेंट लैंडमार्क ऑफ द कोलकाता सिटी इज दिस, जिसकी हम बात कर रहे हैं ये कौन सा डोमिनेंट लैंडमार्क है? तो आप मेरे साथ लिखेंगे, ये है विक्टोरिया मेमोरियल। ओके, एंड विच फेमस इंडियन नोबल लॉरेट सेट अप अ विश्व भारती यूनिवर्सिटी इन कोलकाता। किस नोबल पुरस्कार विजेता ने कोलकाता में विश्व भारती यूनिवर्सिटी को सेट किया था? तो उसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, तो प्लीज आप मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव बिल्ट इन द 13th सेंचुरी में ये बनाया गया था और ये डेडिकेट है सूर्य को। ओके, द सन गॉड को, सूर्य भगवान को ये डेडिकेट है। इट वॉज कंसीव्ड एज सूर्यास चैरियट, ये सूर्य के पहियों से कंसीव, इसको माना गया था कि सूर्य के पहियों जैसा। ओके, द टेम्पल रेस्ट्स ऑन 24 मैसिव व्हील्स, ये जो मंदिर है ये 24 बड़े बड़े मैसिव व्हील्स पर बना है एंड इज ड्रॉन बाय फ्लाइंग हॉर्सेस, और उड़ने वाले घोड़े यहाँ पर बनाए गए हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है ये। वेयर कैन यू सी द फेमस सन टेम्पल विच इज़ अ प्रोटेक्टेड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो हम ये कहाँ देख सकते हैं फेमस सन टेम्पल जो अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट द्वारा प्रोटेक्टेड है? तो इसका आंसर है कोणार्क। ओके, एंड वॉट इज द यूनिक अबाउट द पोजिशन ऑफ द इमेजेस ऑफ सूर्या इन टेम्पल, जो टेम्पल में सूर्य की इमेजेस हैं, जो वहाँ पर उनकी चित्र हैं, जो उनकी मूर्तियाँ हैं, उसके बारे में क्या यूनिक है इस टेम्पल के बारे में? यूनिक है कि यहाँ पर सबसे पहले सूरज की किरणें पड़ती हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? द फर्स्ट रेज ऑफ सन फॉल ऑन द टेम्पल्स मेन एंट्रेंस एंड द आइकॉनिक व्हील ऑल्सो वर्क्स एज अ सन डायल। तो वहां पर जो आइकॉनिक व्हील लगे हुए हैं ये भी एक बिल्कुल एक्यूरेट घड़ी की तरह काम करते हैं, सन डायल की तरह काम करते हैं। ये विशेषता है इस मंदिर में जो इमेजेस ऑफ सूर्या हैं उनकी पोजीशन की। तो चलिए आगे चलते हैं। द ग्रेट स्तूपा एट सांची इज द फर्स्ट सर्वाइविंग रेलिक ऑफ द मौर्यन पीरियड ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। पुरातन भारतीय इतिहास की
मौर्य पीरियड की, मौर्य युग की ये एक पहली बची हुई अवशेष है, क्या? द ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची, सांची स्तूप जो वहाँ पर बना हुआ है। ये एक बहुत फेमस, पूरे संसार में फेमस बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है, बौद्ध मॉन्यूमेंट है। इट इज़ फाइनली कार्व्ड गेटवे डिपिक्ट बुद्धिस्ट लेजेंड। इसके जो फाइनली कार्व्ड गेटवेज हैं, ये बुद्धिस्ट की लेजेंड्स को और उनके लाइफ के जीने के तरीके को बताते हैं। कैसे जीते थे वो, 2000 साल पहले वो जैसे जीते थे ये उन्हें बताते हैं। सो चलिए इनके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। इन विच स्टेट वुड यू फाइंड द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर? किस स्टेट में आपको सबसे पुराना और सबसे रुचिकर बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर मिलेगा? तो उस स्टेट का नाम है बच्चों मध्य प्रदेश, ओके? और यहां पर कौन सा स्तूपा है? सांची, ओके? हु बिल्ड द सांची स्तूपा हुज रियून्स आर विजिटेड बाय मैनी टूडे? किसने बनाया था ये सांची स्तूपा, जिनके उत्तराधिकारी आज भी वहां पर घूमने आते हैं? तो वो थे सम्राट अशोका, ओके? आगे चलते हैं। द डोम एंड माइनरेट्स ऑफ ताज उल मस्जिद मॉस्क डोमिनेट भोपाल स्काईलाइन इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भोपाल में क्या चीज डोमिनेट करती है? ताज उल मस्जिद मॉस्क। और उसमें क्या फेमस है? उसके डोम्स और उसके माइनरेट। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड मैनी डिकेड्स एगो, बहुत सालों दशकों पहले ये बनाया गया था बाय मुस्लिम क्वींस के द्वारा। दीज क्वींस लेफ्ट अ लेगेसी ऑफ ऑनेस्ट गवर्नमेंट एंड अ सेंस ऑफ वैल्यूड इस्लामिक ट्रेडिशन। ये वैल्यूड इस्लामिक ट्रेडिशन को इन क्वींस ने बताया था और एक अपनी लेगेसी छोड़ी थी ऑनेस्ट गवर्नमेंट के लिए, ओके? ऑनेस्ट गवर्नमेंट की एक लेगेसी इन्होंने यहाँ पर छोड़ी थी और क्या बताया था? अपने वैल्यूड इस्लामिक ट्रेडिशन को इन्होंने बताया था। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। विच फेमस क्वीन इन द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश? कौन सी फेमस क्वीन थी, रानी थी, फर्स्ट वॉर में, प्रथम युद्ध में, स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध में जिन्होंने भाग लिया था मध्य प्रदेश की स्टेट के साथ? तो लिखते हैं महारानी अवंती बाई लोधी, महारानी अवंती बाई लोधी। इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के कौन से शहर में वर्ल्ड का सबसे बुरा इंडस्ट्रियल डिजास्टर हुआ था? भोपाल में गैस लीक हुआ था फैक्ट्री में और वो बहुत सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डिजास्टर था। वो गैस लीक होने से पूरे भोपाल में हाहाकार मच गया था। सो कौन सी सिटी थी वो? भोपाल, ओके? तो आगे चले बच्चों, चलिए। जैन टेंपल एट रनकपुर, रनकपुर में जैन टेंपल जो 15वीं शताब्दी के बीच में बनाया गया था, इट इज एडॉर्न्ड विद एन अबंडेंस ऑफ इंटीग्रेट कार्विंग्स। ये अपनी अद्भुत कला के लिए जाना जाता है, प्यार किया जाता है इसे। इसके लिए टेंपल की जो छत है और जो डोम है ये खड़े हुए हैं 1444 पिलर्स पर, नो टू ऑफ विच आर अलाइक, जिसमें से कोई भी दो एक जैसे नहीं है। ये है इसकी खासियत, इस जैन टेंपल की।
तो अब हमें बताना है इन विच स्टेट इज दिस टेम्पल सिचुएटेड. सो दिस टेम्पल इज सिचुएटेड इन राजस्थान. ठीक है, ये टेम्पल सिचुएटेड है राजस्थान में. टू होम इज दिस टेम्पल डेडिकेटेड. ये टेम्पल डेडिकेट किया गया है तीर्थंकारा ऋषभनाथा को. चलिए आगे चलते हैं. द गोल्डन टेम्पल इज कंसिडर्ड. गोल्डन टेम्पल माना जाता है वन ऑफ द ग्रेट वंडर्स, महान आश्चर्यों में से एक. बिकॉज नो अदर टेम्पल कंटेन एज मच गोल्ड इन इट्स कंस्ट्रक्शन. क्योंकि और किसी भी मंदिर के कंस्ट्रक्शन में इतने गोल्ड का, इतने सोने का उपयोग नहीं हुआ है और ना ही वहाँ इतना सोना है. इट स्टैंड्स इन द पूल ऑफ द नेक्टर ऑफ इमोरलिटी. ये इमोरलिटी के सरोवर पर, मतलब अमृत सरोवर के बीच में खड़ा है. नोन फॉर द हीलिंग क्वालिटीज ऑफ इट्स वाटर. और कहा जाता है कि इसके पानी में हील करने की क्वालिटीज हैं, आपकी बीमारियों को दूर करने के गुण हैं. ऐसे अमृत सरोवर के बीच में ये खड़ा है. चलिए, वेयर इज दिस टेम्पल सिचुएटेड. दिस टेम्पल इज सिचुएटेड इन अमृतसर, पंजाब. ओके, विच फेमस पार्क कनेक्टेड विद इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल इज लोकेटेड नियर दिस टेम्पल. सो इस टेम्पल के पास कौन सा पार्क है जो कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम से कनेक्टेड है? तो वो पार्क है जलियांवाला बाग. ओके बच्चों, तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स समझ में आ गए होंगे और अब आप इन्हें याद भी करेंगे. इसी के साथ हमारा चैप्टर 11 फिनिश होता है.